दोस्तों बिहार की नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इस खबर के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, उसके बाद इस वीडियो को कीजिए शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ, जानते हैं पूरा डिटेल से। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है, कोरोना से मौत पर शिक्षकों को भी मिले विशेष पेंशन, आश्रितों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी। अपडेट की माने तो बिहार के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षकों ने भी कोरोना संक्रमण से मौत होने पर राज्य के अन्य कर्मचारियों की भांति मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं विशेष पारिवारिक पेंशन देने की मांग की है। साथ ही कोरोना की भयावहता को देखते हुए विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी अविलंब ग्रीष्म अवकाश घोषित करने की मांग की है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा एवं राज्य पार्षद सह पूर्व सदस्य शैक्षिक परिषद जयनंद यादव ने राज्य सरकार से कोरोना के मृत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को भी 50 लाख रुपए मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं विशेष पारिवारिक पेंशन देने की मांग की है। शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार के आदेश पर गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष सरकार के अन्य कर्मियों की भांति कोरोना वॉरियर की तरह विभिन्न क्वारंटाइन और कोविड केयर सेंटर सहित अन्य जगहों पर निष्ठा एवं ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही आज हजारों शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, कई गंभीर हालात में अस्पताल में हैं। अब तक 150 से अधिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों ने अपनी जान गंवाई है। जयनंद यादव ने कहा कि कोरोना की भयावहता को देखते हुए विश्वविद्यालयों में 1 से 30 मई तक गर्मी की छुट्टी कर दी गई है। विद्यालयों में पठन पाठन बंद है, मगर शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मी एवं प्रधानों की विद्यालय आने की बाध्यता के कारण उनमें संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में स्कूलों में तत्काल गर्मी की छुट्टी घोषित की जाए। तो दोस्तों बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बड़ी मांग की है और कायदे की बात है, अगर आप कोविड सेंटरों पर ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना के विरुद्ध कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको भी उन सभी लाभों का फायदा मिलना चाहिए जो दूसरे कर्मचारियों को मिल रहा है। और मेरी तो यही राय है कि नियोजित शिक्षकों को भी विशेष पेंशन और उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का लाभ मिलना चाहिए। आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के ठीक नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, अब उसको दबा कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।